تلنگانہ کے اسمبلی انتخابات میں ٹی آر ایس سی شاندار کامیابی کے ساتھ دوبارہ حکومت تشکیل دے گی، ٹی آر ایس جیاگوڑا کارپوریٹر مترا کرشنا کا دعویٰ۔ میڈیا سے بات چیت، رپورٹر راہل سنگھ کے ساتھ چیف ایڈیٹر محمد جاوید کی یہ رپورٹ۔ डिवीजन ऑफिस कॉर्पोरेटर ऑफिस के समक्ष में आने वाले इलेक्शन के मद्देनजर वार्ड मेंबर, एरिया सभा मेंबर, लीडरों को आह्वान करके जो 214 में हम लोग जो इससे पहले जो कॉर्पोरेटर इलेक्शन में किस तरह हम लोग इलेक्शन लड़े, उसी तरह कल आने वाले दिसंबर का इलेक्शन में उसी भावना से, उसी श्रद्धा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत प्राप्त करने के दिशा में वार्ड मेंबर, एरिया सभा मेंबर और सीनियर लीडरों को भी आदेश दिया गया। जिस तरह हम लोग बस्ती बाटा के द्वारा पब्लिक के वेलफेयर को एरिया सभा और वार्ड मेंबरों ने विजय किया, उसी तरह कल हम कैंडिडेट के विजय के लिए, टीआरएस पार्टी के विजय के लिए हम अपने राजनीति संयंत्र को रचित करते हुए आज जो जितने भी जियागुड़े में 58 बस्ती से 18 कम्युनिटी से जो कम्युनिटी लीडरों को आज बुलाया गया है, माधव समाज से जो यादव नरसिम्हा जी को बुलाया गया है और अरुंधति समाज वेंकटेश्वर जी को बुलाया गया है, वाल्मीकि समाज से विजय को बुलाया गया है, डोर समाज से तुलसी भाई को और मुकुंद राव को और सुरेश भाई को बुलाया गया है और काका अड़या समाज जो लिंगायत समाज से विजय कुमार को, नागराज को बुलाया गया है, किशन दामा को बुलाया गया है और उसी तरह कटिक समाज के लोगों को जो सुदर्शन जी, टी सुदर्शन है और हमारे शशिकांत है और बहुत लोगों को बुलाया गया। हर समाज के लोगों से जियागुड़ा के जो वोटर के ताल्लुक से, इलेक्शन के ताल्लुक से 2-3 घंटे तक चर्चा करिए गए और उनकी भावना को हमारे सामने प्रस्तुत लगाए। कैंडिडेट क्या एमपी एमएम का है या टीआरएस पार्टी का, बल्कि तरह तरह के क्वेश्चन पूछे। नहीं, ये टीआरएस पार्टी का ही कैंडिडेट है, हम टीआरएस पार्टी के वजह से काम कर रहे, हमारा पार्टी आज गवर्नमेंट फॉर्म करने वाला है और हमारा कैंडिडेट जीतने वाला है, गोलकुंडे किले के ऊपर झंडा लगाने वाला है, लिहाजा हम उनको जिताने के आज से पूरी प्रयास करने के आज से हम सब मिलके, और हमारे पीछे भी बहुत बड़े लीडर हैं जो स्वतंत्र में जो इलेक्शन के सीनियर लीडर से वो लोगों से भी हम चर्चा करेंगे, उनका भी अनुभव हम लोग लेंगे जो एजिटेशन में उन्होंने भाग लिए, उसमें बहुत बड़ा योगदान किए, तो उनका भी जो अनुभव है, उनका जो एक्सपीरियंस है, उनको भी हम लेते हुए, उनको भी लेके चलते हुए और जियागुड़े में ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत प्राप्त करने के लिए हम आज राजनीति से संयंत्र करें हैं और आशा है कि जल्द से जल्द कैंडिडेट को बुला के भी हमारी रणनीति को उनको लेते हुए और विजय श्री प्राप्त करने के लिए मित्र कृष्णा हमेशा ही साथ है और सीनियर लोगों को भी लेके हम चाहे हमारे अभिप्राय कुछ अलग होंगे, लेकिन हमारा जो मकसद है, हमारा जो एम है, वो हमारे कैंडिडेट को जिताने का है, ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत टीआरएस पार्टी को जिता के हमारा जो मुख्यमंत्री का जो सपना है बंगारू तेलंगाना बनाने का, उसको साकार करने के लिए हम सभी कार्यकर्ता लीडर नहीं है, हम पूरे वर्कर हैं। मित्रा कृष्णा इज ऑल्सो वन ऑफ द वर्कर, पूरे वर्कर मिलके हम फिर एक बार हमारे चंद्रशेखर साहब को इस राष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाएंगे, इतिहास बरकरार रखेंगे, हिंदुस्तान में एक ही का मुख्यमंत्री केसीआर साहब को बनाएंगे और इतिहास गवाह होगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी से तेलंगाना को हम फिर एक बार टीआरएस पार्टी की गवर्नमेंट कायम करेंगे। जय जय।